हे गाइस, क्या हाल चाल। फाइनली Realme GT Neo 2 के ग्लोबल यूजर्स के लिए UI 3.0 के अपडेट ऑफिशियली रिलीज हो गया है। वीडियो पर इस अपडेट को मैं अपने खुद का Realme GT Neo 2 जो कि मेरे प्राइमरी डिवाइस है उसके ऊपर करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा क्या क्या फीचर्स है और क्या आपको इसको अपडेट करना चाहिए। तो अगर आप ग्लोबल GT Neo 2 के यूजर्स हो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम इस टाइप्स की वीडियो डालते हैं। और ज्यादा बताऊँ नहीं करते दोस्तों, लिए फोन को अपडेट करते हैं। फोन के अबाउट सेक्शन पर आके मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि मेरा जो फोन है उसका मॉडल क्या है। तो आप जैसे देख पा रहे हो Realme GT Neo 2 और मॉडल नंबर वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं चलता हूँ अपडेट पेज पर। तो आप जैसे देख पा रहे हो हमारा UI 3.0 का जो ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों वो इधर आ गया है और मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड भी कर लिया है जिसका साइज है 4.68 GB। और एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये जो अपडेट है वो GT Neo 2 के इंडियन यूनिट पर काफी दिन पहले ही आ गया था, लेकिन जो ग्लोबल यूजर्स है लाइक अगर आप बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो या फिर कोई दूसरे कंट्री पर, तो अगर आपने GT Neo अपने कंट्री से खरीदे हो तो उस पर यह जो ऑफिशियल अपडेट है वो आज रिलीज हुआ है। आज का डेट क्या है, आज है दोस्तों 7 अप्रैल। तो चाहे आप GT Neo 2 के ग्लोबल यूजर्स हो या फिर इंडियन यूजर, सॉफ्टवेयर अपडेट का जो सेक्शन है उस पर आके चेकआउट कर लीजिए, ये जो अपडेट है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर ये अपडेट अगर आपके फोन में शो नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा देर इंतजार करना है क्योंकि ये जो अपडेट है वो रियलमी आज ही रिलीज किया है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपके डिवाइस पर रोल आउट होने में, लेकिन अपडेट आपको विद इन 48 आवर ही मिल जाएगा, ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो अपडेट है वो ऑफिशियल वर्जन है, कोई भी ट्रेल या फिर बीटा वर्जन नहीं है। जैसे आप लोग देख पा रहे चेंज लॉग पर मेंशन है ऑफिशियल वर्जन। अभी मैं इसको आपके सामने अपडेट करता हूं और अपडेट होने के बाद आपको बताता हूं क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमारे GT Neo 2 Realme UI 3.0 टॉप ऑफ Android 12 पर रन कर रहा है और इनके फीचर्स के बारे में आई होप आप सभी को पता ही होगा क्योंकि UI 3.0 बहुत दिन पहले ही आ गया है। अबाउट फोन पर आके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब अबाउट फोन का जो पेज है वो देख सकते हो, पूरा रीडिजाइन पेज है और जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो इधर अभी शो कर रहा है। एंड्रॉइड वर्जन भी 11 से 12 हो गया है जैसे आप लोग अभी देख पा रहे हो। अभी बात आते हैं क्या इस अपडेट को आपको अपने फोन पर भी करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन फ्री इस अपडेट को अपने किसी भी Realme GT Neo 2 के अंदर कर सकते हो क्योंकि इस अपडेट कोई बीटा अपडेट तो नहीं है, फुल्ली स्टेबल अपडेट है और ऑफिशियल अपडेट है। इसको अगर आप करोगे तो जितने भी बग्स वगैरह है दोस्तों वो आपको कम देखने को मिलेगा। अपडेट करने के बाद फोन का परफॉर्मेंस कैसा है उसके रिगार्डिंग अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि आपने ही देखा अभी अभी मैं फोन को अपडेट किया, कुछ दिन कंटिन्यूअसली इस अपडेट को मैं यूज करने के बाद मुझे पता चलेगा कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो मेरे चैनल पर कितने GT Neo 2 यूजर्स हो नीचे एक बार कमेंट कर देना, अगर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। बाकी आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।